पूरी जलावली डैम। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को अ आ के बारे में बताया था कि अ आ लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। इस बार मैं आप लोगों को बताऊंगी अ आ की मात्राएं। इस बार मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अ आ की मात्राएं को कैसे लिखते हैं, ठीक है। मात्रा अगर आप लोग लिखना सीख जाएंगे तो आप लोग सारा वर्ड को पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं खुद से। चलिए हम लोग देखते हैं मात्रा कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्वर की मात्रा, यहाँ लिखा हुआ है स्वर की मात्रा। आप लोगों को पता है स्वर, स्वर किसे कहते हैं? नहीं पता? देखिए हम अभी यहाँ पे लिख रहे हैं अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ए, ओ, ओ, अं, देखिए आ, आ की कोई भी मात्रा नहीं होते, इसलिए मैं यहाँ पे मात्रा नहीं लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आ, आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा क्या होती है? पाई। लुक एट दिस, इसको बोलते हैं आ, इसको बोलते हैं छोटी ई, इसको बोलते हैं बड़ी ई, इसको बोलते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ए, ओ, औ, अं, अ, ये है हमारी अ की मात्रा, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को मात्रा लिख के दिखा रही हूँ और एक बार फिर से पढ़ के बता रही हूँ। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ए, ओ, औ, अं, अ। आप लोग इस चीज़ को याद मत कीजिएगा, ये याद नहीं होती, इसको आप लोग लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके उतना आप लोग इसको लिखिएगा कॉपी पर, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग उतना इसको लिखिएगा। लिखने से क्या होगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ आ की मात्रा क्या होती है, छोटी की मात्रा क्या होती है, बड़ी की मात्रा कैसे होती है, ये सारी सारी चीज़ें आप लोगों को पता हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट अगले क्लास में।